इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय एक। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीही यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीही में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेंत मेंत दिया, हमको उसमें उसके लोहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वो मसीही में एकत्र करे, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मीरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीही पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान दे, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है।